हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हुसैन आपको वेलकम करता हूँ टेक्नोमोशन यूट्यूब चैनल के साथ। दोस्तों आज की वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए हमें इस वीडियो को अपने एंड तक देखना है, क्योंकि आज की वीडियो में लेकर आपके लिए टॉप 10 बेस्ट डिजाइन स्मार्टफोन्स ऑफ 2018। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने 10वें नंबर के फोन के साथ। दोस्तों जो हमारे पास 10वें नंबर पर फोन है वो HTC की तरफ से है, वो है HTC U11 Plus। दोस्तों इस फोन की जो प्राइस है वो है 73 मतलब कि 73 हज़ार रुपीज़ पाकिस्तान में कन्वर्ट करें तो कि 730 डॉलर्स बनते हैं। स्क्रीन साइज इसका 6.0 इंचेस है, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इसकी 78% है, और ये फ़ोन फेल हुआ, इतना ज़्यादा लोगों ने इसे नहीं खरीदा। अब बात करते हैं अपने 9वें नंबर के फ़ोन पे, और जो मेरा फेवरेट फ़ोन है और लेकिन प्राइस इसकी ज़्यादा है इसलिए मैं इसे खरीद नहीं सका, और दोस्तों उस फोन का नाम है OnePlus 5T। दोस्तों OnePlus 5T एक बहुत अच्छा फ़ोन था, इसकी चार्जिंग से लेकर इसकी स्पीड तक, इसके कैमरे से लेकर इसके फेस अनलॉक तक हर फीचर इसके अंदर बहुत अच्छे लगाए गए थे OnePlus की तरफ से। एक पूरा फ्लैगशिप किलर फ़ोन है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो 80% है, और स्क्रीन साइज का 6.0 इंचीज है, और इसकी प्राइस है 70 हज़ार रुपीज़ जो कि पाकिस्तान में कन्वर्ट करें। इसके फीचर्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे, इसके अंदर 18:9 का एस्पेक्ट रेशियो भी शामिल था, और इसीलिए ये फ़ोन को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। तो दोस्तों अपने 8वें फ़ोन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हमारे पास जो 8वां फ़ोन है वो हुआवे का Mate 10 Pro है। दोस्तों हुआवे का Mate 10 Pro पिछली मरतबा का P20 से पहले बहुत अच्छा फ़ोन था, हुआवे की तरफ से न्यू सक्सेस था, और इस फ़ोन को काफ़ी देर तक सहराया गया बड़े बड़े यूट्यूबर्स की तरफ से, बड़े बड़े रिव्यूअर्स की तरफ से, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोसेसर लगाया गया था वो बहुत अच्छा प्रोसेसर था, जो कि iPhone X किलर प्रोसेसर कहा जाता था, लेकिन नहीं किल कर सका। स्क्रीन टू बॉडी इसकी रेशियो बात करते हैं तो उसका 80.9% है, स्क्रीन साइज इसका 6.0 इंचेज है, और इसकी प्राइस है 730 डॉलर यानी कि 73 हज़ार रुपीज़ अगर पाकिस्तान में कन्वर्ट करें। अब चलते हैं अपने 7वें फ़ोन की तरफ। तो 7वां फ़ोन काफ़ी देर पहले आया था, लेकिन अभी तक ये इस लिस्ट में 7वें नंबर पे इसलिए है क्योंकि इसके डिस्प्ले की वजह से, और वो फ़ोन है LG V30। दोस्तों अब तो LG V30 की जगह V35 भी आने वाला है, V30 Plus आ चुका है, लेकिन इस फ़ोन अभी तक अपनी छाप रखी है, और इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो यहाँ पर 81.2% है, यहाँ पर इसकी स्क्रीन साइज 6.0 इंचज़ है, और प्राइस इसकी है 650 डॉलर्स जो कि 65-67 हज़ार पाकिस्तान रुपीज़ में बनते हैं। ये फ़ोन काफ़ी अच्छा था, लेकिन इस फ़ोन के अंदर जो स्पेक्स थी वो कुछ पुरानी डाली गई थी, मतलब कि जो प्रोसेसर और था वो कुछ हल्का प्रोसेसर था, इसलिए इस फ़ोन को लोगों ने बहुत कम खरीदा। अब चलते हैं अपने 6वें फ़ोन की तरफ, और दोस्तों जो 6वां फ़ोन है वो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, और इस फ़ोन की जो स्पेक्स की बात की जाए तो इसके अंदर अल्ट्रा थिन बेजल्स लगाए गए हैं, इंप्रेसिव स्क्रीन है, यहाँ पर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, फुल डिस्प्ले यहाँ पर आपको मिलेगा, और यहाँ पर आपको राउंडेड एजेस मिलेंगे, और इस फ़ोन में इस फ़ोन की बात करते हैं स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इसका 81.9% है, स्क्रीन साइज 6.1% इंचज़ है, और इसकी प्राइस है 1110 डॉलर यानी कि 1,10,000 रुपये, और इस फ़ोन की जो मेन बात है वो इसका ट्रिपल कैमरा सेटअप है, और ये फ़ोन है हुआवे का P20 Pro जो कि अब तक का बहुत अच्छा हुआवे का फ़ोन जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर ट्रिपल कैमरा सेटअप है जो कि ना कभी एप्पल में आ चुका है ना ही सैमसंग ने किया है, हालांकि सैमसंग ने सिर्फ 2 से 3 फ़ोन बनाए हैं डुअल कैमरा सेटअप के साथ। तो अब चलते हैं अपने 5वें फ़ोन की तरफ। दोस्तों 5वां फ़ोन वो है आईफोन की तरफ से, और दोस्तों आपको मेरे हिसाब से पता चल चुका होगा वो है iPhone X, और iPhone X एक अपनी जगह बहुत अच्छा फ़ोन था, इसके सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस से बात लेकर बात की जाए, या फिर इसके स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, या फिर इसके स्क्रीन साइज, इसकी प्राइस से थोड़ी ज़्यादा थी, और हर चीज़ में ये परफेक्ट फ़ोन था, लेकिन इस फ़ोन में भी कुछ बग्स थे जो कि बाकी रिव्यूअर्स ने भी बताए थे, लेकिन दोस्तों ये फ़ोन बहुत अच्छा रहा, इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 82.9% था, इसकी स्क्रीन साइज 5.8 इंचज़ है जो कि होल्ड वाला, और एक बहुत अच्छा है मतलब कि फोन मुझे लगा, और इसकी प्राइस अब है 999 डॉलर जो कि पाकिस्तान में 1 लाख रुपए बनते हैं। अब बात करते हैं अपने जो चौथे फोन की तरफ, और दोस्तों हमारा चौथा फोन है हमारा सबका फेवरेट फोन हुआ Samsung Galaxy Note 8, जो कि पिछले साल सबसे अच्छा फोन रह चुका है MKBHD की तरफ से। और दोस्तों इस फोन की बात करते हैं स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 83.2% की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, स्क्रीन साइज यहाँ पर आपको मिलता है 6.3 इंचज का जो कि काफी बड़ा है, और इसकी प्राइस है 900 डॉलर जो कि पाकिस्तान में कन्वर्ट करें तो यहाँ बनते हैं 90 हज़ार, तो जो कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन डू बिगर थिंग्स मतलब कि जो बड़ी चीज़ लेंगे तो उसके लिए आपको खर्चा तो करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर जो स्पेक्स हैं वो काफ़ी बेहतरीन हैं। अब बात करते हैं अपने टॉप 3 हमारे पास जो मोबाइल हैं उनमें हमारे पास आ चुका है Xiaomi का Mi Mix। तो दोस्तों Xiaomi का Mi Mix एक बहुत अच्छा फ़ोन था, लेकिन ये लॉन्च हुआ था 2016 में उसके एंड पे, लेकिन ये इसका बेजल एंड डिज़ाइन अभी तक छाप अपनी रखी है। और बात करते हैं अब इसकी स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, तो 83.6% है स्क्रीन टू बॉडी रेशियो साइज, और 6.4 इंचज़ का इसका स्क्रीन साइज़ है, और उसकी प्राइस है 499 डॉलर जो कि पाकिस्तान में 52,000 रुपीज़ बनते हैं, और ये फ़ोन पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, और आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं।
दराज और पीके से। अब बात करते हैं अपने दूसरे फ़ोन की तरफ, जो कि सैमसंग की तरफ से रिसेंटली लॉन्च करता फ़ोन है, और आप में से बहुत से लोग इस फ़ोन को चाहते होंगे आप इसे खरीदें। और इस फ़ोन का नाम है सैमसंग गैलेक्सी S9 प्लस। और दोस्तों इस फ़ोन की यहाँ पर बात करते हैं, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो यहाँ पर आपको मिलती है 84.2% बहुत ज़्यादा होती है। और उसके बाद बात करते हैं इसका स्क्रीन साइज़, जो कि 6.2 इंचेस का है। इसकी प्राइस है $940, पाकिस्तान में 1 लाख से ऊपर का ही है, लेकिन ये फ़ोन बहुत अच्छा, मैंने इसे खुद यूज़ किया है, मुझे काफ़ी पसंद आया था। दोस्तों अब हमारी लिस्ट खत्म होने वाली, क्योंकि हमारे पास जो हमारा पहला फ़ोन है जिसका बेजल डिज़ाइन सबसे बेहतरीन है और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इसका सबसे हाई है, तो वो है दोस्तों एसेंशियल फ़ोन। दोस्तों एसेंशियल फ़ोन बहुत पहले आ चुका था, लेकिन अभी तक कोई भी एसेंशियल फ़ोन की के बेजल्स लेस डिज़ाइन को बीट नहीं कर सका, ना सैमसंग, ना हुआवे, ना एप्पल, और भी कंपनीज नहीं कर सकी। लेकिन एसेंशियल फ़ोन जो कि गूगल के एक वर्कर ने बनाया था, जो कि गूगल में एंड्रॉयड को जिन्होंने ईजाद किया था, उसने इसमें इसे बनाया था। और इसकी बात करते हैं, इस फ़ोन की जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो 84.9% है। बात करें S9 प्लस की, तो इसकी 84.2% थी, इसकी 84.9% है। स्क्रीन साइज इसका 5.71 इंचज है, जो कि और अच्छी बात थी। और इसकी प्राइस अब है $300, जो कि बहुत कम है। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो इसे आप बहुत सस्ते में बाई कर सकते हैं, लेकिन बुरी खबर यह है कि ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। दोस्तों आज के लिस्ट यहीं पर एंड करते हैं। दोस्तों मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपको पसंद आई तो वीडियो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैं ऐसी वीडियोज़ डेली बेसिस पर बनाऊँ। और आज की वीडियो इतना ही, मुझे आप गूगल आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप और दूसरे अकाउंट्स पर। ओके, गुड बाय दोस्तों।